हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मुझे अपने भांजी के एडमिशन के लिए कोटा जाना पड़ा था और वापस आने के बाद मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वीडियो अपलोड करना रह गया था। और यहाँ जब हम जा रहे थे ना, तो मेरी दीदी ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भिजवाया हुआ था और सडनली जब मुझे गिफ्ट मिला तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि इसमें क्या है। और इसमें एक स्लिंग बैग है जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरी दीदी ना मुझे ऐसे गिफ्ट भेजती रहती है जो कि मुझे बहुत पसंद आते रहते हैं, तो हम दोनों के बीच में ये सब चलता रहता है। सो ऑन टाइम हम सब यहाँ पर ट्रेन में पहुँच गए थे और हमारी सीट भी जो है वो कंफर्म थी। तो वापस से सामान अरेंज करने के बाद में हम यहाँ पर 15 घंटे ट्रैवल करते हुए कोटा पहुँचे थे। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम कोटा आई थी, सब कुछ मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। यहाँ से हम ऑटो करके फिर हॉस्टल की तरफ गए हुए थे। एडमिशन का प्रोसेस तो सारा कम्प्लीट हो गया था, बट हमको रूम वगैरह चेक करना था। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पर हॉस्टल आ गए थे, गर्ल्स हॉस्टल। हमको चेक करना था कि रूम कैसा है, और सारा रूम अरेंज करने के बाद में हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ था, तो यहाँ हम रेडी होके निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे तो ये सिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, पास में ही बहुत सारे कैंटीन्स थे, तो हमने सोचा यहाँ पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद आसपास की थोड़ी बहुत जगह एक्सप्लोर कर लेंगे जब तक हमारे पास में टाइम है। तो हम यहाँ पास में ही ना एक अभेड़ा महल करके था, वहाँ पर गए हुए थे घूमने के लिए। काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा गार्डन था और साथ में ना यहाँ पर लोटस पॉन्ड भी था। मौसम भी काफ़ी अच्छा था जिसकी वजह से ना हम घूम रहे थे तो हमको बहुत मजा आ रहा था। हमारे साथ ना एक और फैमिली गई हुई थी, साथ में छोटे बच्चे भी थे, तो हमने सोचा कि जू भी घूम लेते हैं। बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि जू में हमको जानवर तो बहुत कम ही दिख रहे थे, सब जो है छांव में बैठे हुए थे। तो फिर भी सोचा कि एक राउंड तो ले ही लेते हैं, कुछ तो दिख ही जाएगा। यहाँ पर हमने टाइगर देखा और उसके बाद घूमते फिरते हमको इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि सोचा कि अब चलते हैं लंच करने के लिए। यहाँ पास में हम एक रिजॉर्ट में गए हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा एम्बियंस लगा मुझे वहाँ का, बट समर सीज़न होने की वजह से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ऊपर से दोपहर का टाइम हो गया था तो धूप भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण ना हम ज़्यादा तो घूम नहीं पा रहे थे। और दूसरा कि जहाँ घूम रहे थे वहाँ भी हम अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो फिर लंच करने के लिए हम चले गए स्विमिंग पूल, देख के तो ऐसा लग रहा था बस पानी में डुबकी मार लें। तो सबने मिलके यहाँ पर हमने लंच किया। अच्छा खासा लंच करने के बाद में वापस से हम निकल गए थे। पास में ही ना एक त्रिकुटा मंदिर बना हुआ था जो कि आर्टिफिशियल वैष्णो देवी के मंदिर को रिप्रेजेंट कर रहा था। हम वहाँ गए थे घूमने के लिए और सच में ये मंदिर वाकई में इतना सुंदर बना हुआ है। हमने अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं था, बट फिर भी जब मैं गई मैंने देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था घूमने में। उसके बाद में टाइम हो गया था हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस का जिसके लिए हमको जाना था, तो हम यहाँ पर फटाफट से वहाँ चले गए थे रेडी होके। और ये सेशन इतना ज़्यादा अमेजिंग था, इतना ज़्यादा मोटिवेशनल था कि मुझे तो बहुत मज़ा आया था। मुझे लग रहा था कि मेरे टाइम पे मैंने ऐसी क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की थी। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। क्लास ओवर होने के बाद में हमें जाना था अदर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए, बट उससे पहले हम एक जूस की शॉप में चले गए थे, हमको नारियल पानी पीना था। इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, हालत ख़राब हो रही थी गर्मी से। इसके बाद में हमको कुछ यूनिफॉर्म के लिए फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करनी थी, साथ ही ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी। आज ही हमको सारा रूम सेटअप करना था क्योंकि नेक्स्ट डे से प्यूसा की क्लासेस स्टार्ट थी। तो यहाँ पर मैं उसे पूछ रही थी कि कैसा रहा आज का दिन, कैसा रही क्लासेस, फर्स्ट क्लास थी उसकी। बच्चे नर्वस हो जाते हैं पहली बार कहीं भी जाने पे, मैं खुद नर्वस हो जाती हूँ, तो ये तो अभी फिर भी स्टूडेंट है। यहाँ पर हमने उसके बाद दोपहर को लंच किया और फिर नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी, रात में ही हम निकल गए थे। सुबह ट्रेन में सारा टाइम तो मेरा बस अपने फ़ोन के साथ ही निकल रहा था, और समर सीज़न एक्चुअल में कैसा दिखता है वो तो मैंने ऐसे देखा, सारे पेड़ सूख गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, बाय।